हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला में। आज हम जो पॉलीमर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वे है पॉलीस्टायरीन। हाँ, इसे ही हम स्टायरोफोम भी कहते हैं। इस पॉलीस्टायरीन का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल में पॉलीस्टायरीन फोम जो है वह यूज़ किया जाता है। इसी के साथ यह पॉलीमर जो है उनके अन्य एप्लीकेशन भी हम देख पाते हैं। तो इस पॉलीमर का हम प्रिपरेशन आज देखेंगे, उसी के साथ उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और कहाँ पे यह पॉलीस्टायरीन पॉलीमर यूज किया जाता है वे सभी एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पॉलीस्टायरीन का जो फॉर्मूला जनरली हम लिखते हैं पॉलीमर के लिए वे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो पॉलीस्टायरीन हमें मिलता है स्टाइरिन से। इस स्टाइरिन डेरिवेटिव में अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो स्टाइरिन जो है वे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के साथ ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वे कंजुगेशन में एसोसिएटेड होते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टाइरिन मॉलिक्यूल। तो यह एक पॉलीस्टायरीन जो पॉलीमर हमें स्टाइरिन से मिलता है यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। इसके पहले हमने जो पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीप्रोपिलीन यह हाइड्रोकार्बन देखे पॉलीमर, तो एरोमेटिक नहीं थे, एलिफेटिक कैटेगरी में आते थे। तो यह फर्स्ट पॉलीमर जो है वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है और इसका मोनोमर है स्टाइरिन, जिसे विनिल बेंजीन भी कहा जाता है। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। हम डिटेल में आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम हाइड्रोजन इंडिकेट नहीं करते। ऑलवेज इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो स्टाइरिन का जो पॉलीस्टाइरिन जो हमें मिलता है, स्टाइरिन इट इज इन द लिक्विड स्टेट। उसके बाद जो पॉलीस्टाइरिन हमें मिलता है वह सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है। तो यह सॉलिड कंप्लीटली सॉलिड बिड्स के फॉर्म में हो सकता है या तो फोम के फॉर्म में हो सकता है। तो इनमें पॉलीमर जब बनाते हैं तब एक्सटेंडेड फोम फॉर्म में भी पॉलीस्टायरीन जो है वे कन्वर्ट किया जाता है। अब पॉलीस्टायरीन में जो पॉलीमर हम यूज़ करते हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है वे बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर में पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथिलीन की यूटिलिटी जो है वे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद PVC है और उसके बाद जो यूज़ होने वाला पॉलीमर है वे है पॉलीस्टायरीन। तो इसके मिलियंस ऑफ टन जो है वे पर ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं एंड यूज किए जाते हैं। इस पॉलीमर की कैटेगरी हम देखें थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग में, तो यह पॉलीमर जो है वह थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कई बार इसे अलग अलग एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। अब इस पॉलीमर को पॉलीविनिल बेंजीन भी कहा जाता है। कि मैंने नाम कहा था कि स्टाइरिन को हम विनिल बेंजीन भी कह सकते हैं। स्टाइरिन इज अ मोनोमर, यह मोनोमर है और इस मोनोमर का दूसरा नाम है विनिल बेंजीन। तो इस विनिल बेंजीन से बनने वाला पॉलीमर, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है पॉलीस्टायरीन या तो पॉलीविनिल बेंजीन। जैसे कि हमने PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड का नाम देखा था, उसी तरह इसे पॉलीविनिल बेंजीन भी कहा जाता है। अब इस पॉलीस्टायरीन की अगर बात करें हम तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब इस पे कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है वे इसे डिग्रेड नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा सा प्रॉब्लम पॉलीस्टायरीन के यूज से एनवायरनमेंट में होता है, जो कि एक पोल्यूटेंट के तौर पे हमें पॉलीस्टायरीन जो है वह दिखता है। जैसे कि मैंने कहा था कि पोल्यूशन पॉलीमर का हमें जो दिखता है वह होता है पॉलीइथिलीन के मिसयूज से। तो उसी तरह पॉलीस्टायरीन जो है उसका यूज होने के बाद अगर इसे प्रॉपरली रिसाइकल नहीं किया गया तो यह बड़ा पोल्यूटेंट होके एनवायरमेंट में रिलीज होता है। एंड इट इज ऑल्सो वी कैन शो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर पोल्यूशन इन द वाटर ऑल्सो। तो यहाँ पे जो फोम फॉर्म में जो पॉलीमर होते हैं जनरली वे वाटर को लॉक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कई बार फ्लड इस तरह से पॉलीमर के एक्सेसिव यूज होने की वजह से भी ड्रास्टिक इफेक्ट ला सकता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इस पॉलीमर को नहीं रिकमेंड किया जाता फॉर द मैक्सिमम यूज। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्टायरोफोम थे या तो हम कहते थे कि उस स्टायरोफोम पे अभी बैन ला दिया है। कॉमन पीपल पर्सन के लिए स्टायरोफोम यूटिलिटी जो मार्केट में होती थी अब वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। अभी इसका यूज़ ओनली पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है और पैकेजिंग मटेरियल में भी अल्टरनेटिव यूज़ करने के लिए हम देख सकते हैं। तो पॉलीस्टायरीन का जो मैक्सिमम हजार्ड है इट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऑलमोस्ट और भी कोई पॉलीमर है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन हमें उस बार यहाँ पे इम्पोज करना होता है कि अगर इस मटेरियल का अगर यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है तो उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी यहाँ पे देखना भी हमें ज़रूरी हो जाता है। तो PVC यह भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन उसका यूज़ और एप्लीकेशन जो है वे अलग तरीके से होता है। तो एप्लीकेशन में आप देख पाओगे कि पॉलीस्टायरीन कितने लार्ज क्वांटिटी में कहाँ पे यूज हो सकता है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखते हैं हम पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो यह मोनोमर जो है पॉलीस्टायरीन का और पॉलीमर है जो पॉलीस्टायरीन का, वे कुछ इस तरह हमें दिखते हैं। द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टायरीन इज नोन एज अ स्टाइरिन और विनिल बेंजीन, जिसे इस स्ट्रक्चर में या तो इस स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ कर सकते हैं। CH2 इथिलीन मॉलिक्यूल, उसे बेंजीन रिंग अगर लग गई है तो हमें इस कहेंगे स्टाइरिन मॉलिक्यूल या तो फिर विनिल बेंजीन। और अगर इसी का पॉलीमर हमें बनाना है तो N यहाँ पे लिख दिया है। द सिंगल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड रिप्लेस विद द सिंगल बॉन्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट हम दिखाते हैं फॉर द इंडिकेशन ऑफ पॉलीमर। स्क्वायर ब्रैकेट एंड एन इंडिकेट द रिपीटेटिंग यूनिट। यही रिपीटेटिंग यूनिट जो है वह हर बार रिपीट होते जाता है, तो यह मॉलिक्यूल जो है उसे हम कहेंगे पॉलीस्टायरीन। तो यह हुआ पॉलीमर और यह हुआ उसका मोनोमर। तो यहाँ पे हम मोनोमर और पॉलीमर अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। पॉलीस्टायरीन का स्टाइरिन इज अ मोनोमर, विनिल बेंजीन को उसे कहा जाता है, पॉलीस्टायरीन इज अ पॉलीमर या तो फिर उसे दूसरा नाम है पॉलीविनाइल बेंजीन। तो इस तरह से पॉलीस्टायरीन जो है वह हमें दिखता है। तो इस फॉर्म को आपने कई बार देखा होगा, पैकेजिंग मटेरियल में यूज किया जाता है, इसे कहते हैं मोल्डेड फॉर्म्स। तो यहाँ पे एक्सपांडेड बीड्स जो है वे भी आपने देखी होगी, बीन बैग्स में जनरली यूज होती है, कई बार पैकेजिंग मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी का EPS रेजिन जो होता है वे सॉलिड फोम टाइप होता है, तो इसका भी यूज कई बार अलग अलग ब्लेंड्स में किया जाता है। तो इस तरह से पॉलीस्टायरीन जो है वे हमें दिखता है। पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं मोनोमर स्टायरीन, और मोनोमर स्टायरीन पे रिएक्शन होने के बाद हमें मिल जाता है पॉलीस्टायरीन। तो जनरल रिएक्शन अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, और इसी का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अगर हमने किया सो व्हाट वी गेट अ पॉलीमर, जिसे हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं H एंड हियर इज द हाइड्रोजन एंड हियर इज द बेंजीन रिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉलीस्टायरीन का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है वह देख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन वेयर स्टायरीन कन्वर्टेड इनटू पॉलीस्टायरीन। तो इस तरह पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन और हमें पॉलीमर जो है वह मिल जाता है। तो यह बेसिक रिएक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात है कि हमें स्टाइरिन जो है वह इजीली अवेलेबल एज इट इज फॉर्म में नहीं होता, तो इसे भी बनाना पड़ता है। जो मोनोमर हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट मोनोमर इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज, और उसकी सिंथेसिस हम यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह। अब मोनोमर स्टाइरिन जो है वह यूज करते हैं, हम इथिलीन से बनाते हैं और बेंजीन, इन दोनों की रिएक्शन करके बनाते। अब इथिलीन मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड और बेंजीन की रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगी, तो इसके लिए हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की रिएक्शन जो है उसी का हेल्प यहाँ पे लेते हैं। तो अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, AlCl3 हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को हम कैरी करते हैं। अब इस रिएक्शन में फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, तो इनिशियली हम इथिल बेंजीन जो है उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इथिलीन मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, इथिल बेंजीन, जो बनने के बाद हम आगे जाके उसे कन्वर्ट कर पाते हैं इथिल बेंजीन टू स्टाइरिन। तो इस रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह से देख पाते हैं, इथिल बेंजीन टू स्टाइरिन बाय डिहाइड्रोजिनेटेड रिएक्शन, और वी कैन से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन वहां से निकाल लेते हैं और डबल बॉन्ड उसमें वापस से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिएक्शन को कैरी किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ आयर्न ऑक्साइड और मैग्नेशियम ऑक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से देख सकते हैं, बेंजीन विच इज रिएक्ट विद द इथिलीन मॉलिक्यूल AlCl3, यहाँ पे जिओलाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यह जिओलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन जो गैस कॉन्सेंट्रेट की जाती है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए जियोलाइट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो दिक्कत है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में जियोलाइट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन विथ इथिलीन, इट गिव्स द इथिल बेंजीन। ओके, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को मिलने के बाद यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी एक मेटल ऑक्साइड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। At the 600 degree centigrade, this metal oxide is responsible for the dehydrogenation reaction and it gives the double bond introduction at this center. तो इस center पे double bond इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जा रहे हैं और हमें मिल रहा है स्टाइरीन और विनिल बेंजीन. इट इज अ मोनोमर फॉर द पॉलीविनाइल बेंजीन और वी कैन से पॉलीस्टायरीन. तो यहाँ पे मोनोमर हमें मिल गया, स्टाइरीन जिसे हम कहेंगे या तो विनिल बेंजीन कहेंगे. अब नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन. तो इस पॉलीमराइजेशन में स्टाइरीन में हम 3 डिफरेंट मेथड से पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं. फर्स्ट वन बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकंड बाय कोऑर्डिनेशन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. अब कोऑर्डिनेशन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का मीनिंग हो गया हम जिगलर नाटा जैसे कैटालिस्ट इस्तेमाल करके यह पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं या तो फिर अनायनिक पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं. इस टेक्निक से हम पॉलीमराइजेशन करके पॉलीस्टायरीन जो है वह बना सकते हैं. तो 3 टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री रेडिकल, कोऑर्डिनेशन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन या तो फिर अनायनिक पॉलीमराइजेशन. जो इंडस्ट्रियल क्वांटिटी पे पॉलीस्टायरीन जो बनाया जाता है वे जनरली बनाया जाता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से, और इस रिएक्शन में जो टेक्निक यूज की जाती है आइदर बल्क और सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक जो है वे यूज की जाती है. रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से और टेक्निक जो होगी वे बल्क या सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है. तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे देख सकते हैं. द स्टाइरीन मोनोमर या विनिल बेंजीन जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में बनाया था बाय द हेल्प ऑफ बेंजीन एंड इथिलीन मॉलिक्यूल, फर्स्ट हमने उनकी रिएक्शन की और उसके बाद फिर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करने के बाद हमें स्टाइरीन मॉलिक्यूल मिलता है, उसी को पॉलीमराइज करके हम पॉलीस्टायरीन जो है वे बना सकते हैं. तो सिंपल सी रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन बट इट कैन बी ऑल्सो कैरिड बाय द कोऑर्डिनेशन कैटायनिक या तो फिर अनायनिक पॉलीमराइजेशन. तो यह पॉलीमराइजेशन की टेक्निक है और इस टेक्निक में हम बल्क या तो फिर टेक्निक दूसरी यूज कर सकते हैं हम सस्पेंशन. इन टेक्निक से हम यह पॉलीमर जो है वह बना सकते हैं एंड वी गेट दी पॉलीस्टायरीन. आफ्टर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीस्टायरीन. पॉलीस्टायरीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है यह लीनियर थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी का पॉलीमर है. तो मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होगी और पॉलीमर कैसे है, लीनियर है, और लीनियर पॉलीमर होने के साथ ही यह फर्स्ट कैटेगरी में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर. तो यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर की कैटेगरी में भी आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर, और उसी के साथ इन्हें हम कहेंगे लिनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है यह अटैक्टिक पॉलीमर होता है. जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स पॉलीमर बन सकते हैं पॉलीस्टायरीन के. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन रिंग वहाँ पे कार्बन स्केलेटन जो है उसमें काइरालिटी आ सकती है. तो यहाँ पे 3 टाइप्स पॉसिबल है, अटैक्टिक, सिंडाइटैक्टिक और आइसोटैक्टिक. तो तीनों पॉलीमर यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो पॉलीस्टायरीन मेजर क्वांटिटी में बनता है वे होता है अटैक्टिक पॉलीमर पॉलीस्टायरीन, और इसका नेचर जो है वे होता है एमॉर्फस. इसी के साथ यह पॉलीमर जो है ब्रिटल है, इस पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इसमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं है, इजिली यह ब्रेक हो सकता है. अगर उसके बीड्स है तो इजिली ब्रेक हो जाएंगे. सो इट इज अ ब्रिटल इन नेचर. अलॉन्ग विद दैट इट इज अ केमिकल इनर्ट. तो केमिकल इनर्ट मतलब केमिकल की रिएक्शन जनरली इस पे नहीं होती. एसिड, अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन इस पॉलीमर पे नहीं होती. लेकिन अगर सॉल्वेंट की अगर बात करें या तो फिर कुछ एसिड्स की बात करें जैसे कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें अगर हम पॉलीस्टायरीन को एक्सपोज करते हैं देन पॉलीस्टायरीन गेट रिएक्ट विद दैट फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है उनके साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे येलो कलर उसे मिलेगा अगर हम एक्सपोजर लॉन्ग पीरियड तक यहाँ पे कर दे. तो जनरली केमिकली इनर्ट है, लेकिन अगर हम फ्यूमिंग नाइट्रिक या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं देन पॉलीस्टायरीन टर्न्स इनटू द येलो कलर, मतलब उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है. अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दे, इलेवेटेड टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे इस पॉलीमर को रखे तो यहाँ पे यह पॉलीमर जो है वह डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट डिकम्पोज इनटू मोनोमर. तो यहाँ पे हमें 40% मोनोमर मतलब स्टाइरीन जो है वह मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दे. तो पॉलीस्टायरीन को रिसाइकल करते वक्त यहाँ पे मोनोमर हम यहाँ से पॉलीस्टायरीन से निकाल सकते हैं बाय दिस मेथडोलॉजी. तो यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर पे उसको रख दिया जाए तो स्टाइरीन मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री हो जाते हैं, और इसे अगर जला दिया जाता है तो यही स्टाइरीन मॉलिक्यूल जल के वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसी के साथ स्पेसिफिक स्मेल जो आता है स्टायरोफोम का जलने के बाद, उसमें कुछ स्टायरीन मॉलिक्यूल की स्मेल भी आप वहाँ पे महसूस कर पाओगे. तो यहाँ पे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी अगर देखें तो इससे पहले जो भी हमने पॉलीमर देखे जैसे कि पॉलीथिलीन था, पॉलीप्रोपिलीन था या तो फिर पीवीसी था, तो ये जनरली सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते थे और कुछ सॉल्वेंट में डिजोल्व होते थे जैसे कि पीवीसी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में डिजोल्व होता है और कुछ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में यह कुछ मात्रा में डिजोल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉलीस्टायरीन जो है वे वेरियस सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाता है। यहाँ पे यह गौर करने की बात है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यह ऑलमोस्ट बहुत सारे सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज अ पुअर वेदर रेजिस्टेंट, तो हीट के साथ यह इसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर कंडीशन चेंज होती है, तो इसमें डिकम्पोजिशन इजीली हो सकता है। इसी के साथ ट्रांसपेरेंसी जो है और क्लैरिटी जो है पॉलीस्टायरीन की जो बीड्स होती है उसमें सबसे अच्छी होती है, लेकिन एक्सटेंडेड फोम्स जो है वे ओपेक कलर के होते हैं जिसके ट्रांसपेरेंसी कम होती है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है यह भी इंसुलेटर एक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जनरल प्रॉपर्टी जो पॉलीस्टायरीन फोम की हमने यहाँ पे देखी, तो यह एनर्जी इफिशियंसी में अगर बात करें तो इसकी सिंथेसिस से यह रिलेटेड प्रॉपर्टी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्मल रेजिस्टेंस जो है वे कम है, इसलिए इंसुलेशन में यहाँ पे इस्तेमाल करते वक्त डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। यह कई बार इंसुलेशन पर्पस में यूज किया जाता है। घरों में अगर हीट हमें मेंटेन करनी होती है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो इनर वॉल्स में इन्हें लगाया जाता है, इस फोम को लगाया जाता है। सो इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। केमिकल इनर्टनेस इसकी अच्छी है। एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में यह रिएक्ट नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड HNO3, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनके साथ इसकी रिएक्शन होती है और यहाँ पे हमें येलोइश स्टायरोफोम जो है वे बनते हुए यहाँ पे पॉलीस्टायरीन जो है वे बनते हुए यहाँ पे हमें दिखाई देगा। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए यह पॉलीस्टायरीन जो है लॉन्ग पीरियड तक एनवायरमेंट में एज इट इज ऐसे ही फॉर्म में रहेगा जब तक इसका डिकम्पोजिशन अलग केमिकल मेथड से ना हो। यहाँ पे इसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि इजिली यहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वह सबसे अच्छा है और इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से यहाँ पे इसका यूज जनरली पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो पॉलीस्टायरीन का फर्स्ट एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट और उसकी हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है मोल्डेड आर्टिकल्स में। अब इस मोल्डेड आर्टिकल्स में हम टॉयज बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, फोमेड प्लास्टिक जो है थर्मोकॉल जिसे हम कहते हैं तो उसको भी बनाने के लिए यूज करते हैं। टी कप्स जो जनरली हम देखते हैं मार्केट्स में तो यह पॉलीमर से बना होता है पॉलीस्टायरीन से। पेन्स, बॉटल्स, लीड्स इनको यूज किया जाता है। नाउअडे दिस टी कप्स मेड अप फ्रॉम द थर्मोकॉल और पॉलीस्टायरीन। थर्मोकॉल भी अभी बैन हो चुका है। टी कप्स विच इज मेड अप फ्रॉम द पॉलीस्टायरीन यह भी अभी बैन है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो इनको बनाने के लिए पॉलीस्टायरीन जो है वे यूज किया जाता है। अब स्टायरीन पॉलीमराइज होने के बाद यहाँ पे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं एंड यहाँ से हम आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉलीस्टायरीन जो है वे इंडिविजुअल पॉलीमर हम देख रहे हैं। इट इज मेड अप फ्रॉम दी मल्टीपल यूनिट ऑफ पॉलीमरिक स्टायरीन। तो स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमें मिलता है पॉलीस्टायरीन, लेकिन पॉलीस्टायरीन को कोपॉलीमराइज करने के बाद हमें अलग अलग पॉलीमर मिल सकते हैं जैसे कि स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल जिसे हम SiN भी कहते हैं, सैन स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल। सेकेंड पॉलीमर है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, इसे ABS भी कहा जाता है, बहुत बार इसका इस्तेमाल कई जगह पे किया जाता है। एंड थर्ड वन इज हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन। हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन जनरली एब्रीवेशन या तो फिर हाई इम्पैक्ट जो है उनको विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पे इस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस पॉलीस्टायरीन में ब्यूटाडाइन रबर भी होता है जिससे इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जो है वे इसका बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोपॉलीमर जो है पॉलीस्टायरीन के उनके भी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। 3 कोपॉलीमर आपको याद रखना है। स्टाइरिन एक्रिलोनाइट्राइल SiN की कहा जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन ABS इसे कहा जाता है, एसिटोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन ABS। एंड थर्ड वन इज हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन जो बना होता है पॉलीस्टायरीन प्लस ब्यूटाडाइन से। तो इस तरह से कोपॉलीमर भी इस्तेमाल किए जाते हैं कई बार एप्लीकेशंस में। अब यहाँ पे स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल जो पॉलीमर है यह ट्रांसपेरेंट होता है और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें अच्छी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं वह अच्छी होती है। तो इसी वजह से इसको क्रॉकरी आइटम मेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है एंड मशीन कंपोनेंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। दिस इज द कोपॉलीमर मेड अप फ्रॉम द पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट है ABS। मैंने कहा था कि एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन जो है यह कोपॉलीमर है। 3 अलग अलग यहाँ पे मोनोमर्स यूज किए जाते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। तो यह जो पॉलीमर हमें मिलता है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है एंड टफनेस होती है वे अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ पे इंजेक्शन मोल्ड करके यहाँ पे हम अलग अलग आर्टिकल्स बना सकते हैं। अब इंजेक्शन मोल्डिंग यह टेक्निक है पॉलीमर को शेप देने की, तो शेप्स हम दे सकते हैं आर्टिकल्स के, और हाउस होल्ड आइटम इससे पैकेजिंग कंटेनर्स जो है वे हम बना सकते हैं फ्रॉम दी एबीएस पॉलीमर। थर्ड जो पॉलीमर हम देख सकते हैं वे इटसेल्फ पॉलीस्टायरीन, जो फोम होता है, फोम फॉर्म में पॉलीस्टायरीन होता है, वे थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। कई बार यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन के लिए पॉलीस्टायरीन का यूज किया जाता है। बिल्डिंग वॉल्स को और रूफिंग्स को पॉलीस्टायरीन से कवर किया जाता है जिससे उसकी हीटिंग जो है वे रह सके। रेफ्रिजरेटर में इंटरनल पार्ट्स में भी पॉलीस्टायरीन का अच्छा खासा यूज होता है, जिससे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में जो भी टेम्परेचर है वे आउटर एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज ना हो, इसलिए यहाँ पे एक इंसुलेशन के तौर पे पॉलीस्टायरीन का शीट जो है वे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आउटर जो वॉल है उससे लग के पॉलीस्टायरीन जो है वे लगाया जाता है जिससे आउटर हीट जो है वे एक्सचेंज ना हो पाए। तो पॉलीस्टायरीन यहाँ पे इंसुलेशन का काम करता है, इनर्ट होता है, ड्यूरेबल होता है और रेजिस्टेंट होता है, वाटर डैमेज से इजीली डैमेज नहीं हो पाता, इसलिए इसको कई बार इस कूलिंग पर्पस में या तो फिर इंसुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ पॉलीस्टायरीन जो है वे फूड पैकेजिंग में बहुत बार ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाने वाला पॉलीमर है। पॉलीस्टायरीन फूड पैकेजिंग कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब फूड पैकेजिंग में पॉलीस्टायरीन क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके दो पर्पज़ है। एक तो पॉलीमर इजीली मोल्ड करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द मेकिंग द कंटेनर, प्लस इंसुलेशन प्रॉपर्टी होने के वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो आइटम इसमें रहता है तो वे लॉन्ग पीरियड तक हीटेड होगा तो हीटेड रहेगा, कोल्ड रहेगा तो कोल्ड रहेगा, तो इसमें इंसुलेशन होने की वजह से फूड जो है वे उसी के एक्चुअल नेचर में रहेंगे। और कॉस्ट जो होती है इस कंटेनर्स की जो बनाई होती है पॉलीस्टायरीन फूड पैकेजिंग कंटेनर्स, वे उसके अल्टरनेटिव से बहुत ही कम है। तो इस तरह से पॉलीस्टायरीन जो है वे फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टायरीन का और इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए। पॉलीस्टायरीन जो है वे उसका एप्लीकेशन हम अलग अलग जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे इनर्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग पॉलीमर हमें चाहिए होंगे अप्लायंसेस में, तो पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल वहाँ पे जनरली किया जाता है। एंड CD एंड DVD केसेस जो हम देखते हैं कि CD कवर या DVD कवर जो होते हैं वे भी पॉलीस्टायरीन से ही बने होते हैं। फोम्स जो होते हैं पैकेजिंग करने के लिए पीनट्स शेप्स के हम देख सकते हैं, तो वे भी पॉलीस्टायरीन के होते हैं। फूड पैकेजिंग के लिए भी पॉलीस्टायरीन यूज किया जाता है। मीट एंड पोल्ट्री ट्रेस जो होती है, एग्स कैरी करने के लिए जो ट्रे बनाई होती है वे भी पॉलीस्टायरीन के भी होते हैं। एक कैरेट सम कह सकते हैं, विच इज टिपिकली मेड फ्रॉम दी पॉलीस्टायरीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डैमेज। अब यहाँ पे डैमेज प्रोटेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छे से इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इस पॉलीमर में है, फोम स्ट्रक्चर होने की वजह से अच्छा इम्पैक्ट यह रेजिस्ट कर पाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं डिशेज आप देख रहे हो, फूड प्रोसेसिंग डिशेज, इनमें यहाँ पे जनरली पॉलीमर यूज किया जाता है। यह जो कप्स आप देखते हो तो यह पॉलीमर से ही बने होते हैं, पॉलीस्टायरीन से ही बने होते हैं, लेकिन अब फिलहाल अब इस प्रोडक्ट पे कम्प्लीटली बैन आ चुका है, इस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में नहीं यूज किया जाता। यह कप्स इस्तेमाल किए जाते थे फॉर द टी एंड ब्यूरेजेस, अब यहाँ पे इस कप्स को रिप्लेस किया जाता है पेपर कप से। और यहाँ पे एक ट्रे आप देख सकते हो कि इसको भी पॉलीस्टायरीन से बनाया जाता है। तो यह प्रोडक्ट जो है वे अभी भी यूटिलाइज होता है। अब जनरली for the environmental consciousness, the cups, the food packaging or that kind of trays or utility for the food packaging अब बैन हो चुकी है। अगर यह प्रोडक्ट आपको मार्केट में भी मिलता है तो आप प्रेफर ना कीजिए कि यह प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट यूज द पेपर कप्स, यूज द फॉइल्स टू रैप द फूड्स। इस तरह से पेपर कार्डबोर्ड जो है उसका भी इस्तेमाल फूड रैपिंग के लिए किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आ चुके हैं, उनका भी इस्तेमाल हम फूड पैकेजिंग के लिए कर सकते हैं। दिस शीट्स और ट्रे और डिशेस आल्सो मेड अप फ्रॉम द पेपर, रॉ पेपर से बने हुए डिश या जो कप्स है उनका इस्तेमाल करना प्रेफरेबली हमें करना चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीस्टायरीन नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, इससे यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ सकता है। इसलिए यह पॉलीस्टायरीन जो है फूड क्वांटिटी में जहाँ जहाँ यूज होता है वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। आजकल मार्केट में आपको ऐसे कप नहीं मिलेंगे, ऐसे डिशेज जो है वे कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है। और इसी के साथ थर्मोकॉल आपको जनरल पर्पस के यूज के लिए नहीं मिलेगा, उस पे भी बैन है। तो इस तरह पॉलीस्टायरीन से होने वाले पोल्यूशन से हम अवॉइड कर सकते हैं उस पोल्यूशन को। लेकिन इसी के साथ पॉलीस्टायरीन बैन है ऐसा नहीं है, पॉलीस्टायरीन के अदर एप्लीकेशन जो है वे उसी तरह से चल रहे जैसे कि पहले चलते थे। तो इसी के साथ यह लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।